थाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में शुक्रवार को बयाना रूपवा क्षेत्र के विधायक अमर सिंह जाटव ने विधायक कोटे से करीब 25 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई एम्बुलेंस को बयाना अस्पताल के सुपुर्द किया। सौंपने से पूर्व एम्बुलेंस का मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया गया। विधायक अमर सिंह ने बताया कि एडवांस लाइफ सिस्टम से युक्त यह एम्बुलेंस बयाना अस्पताल में भर्ती गंभीर हालात वाले मरीजों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल और जयपुर अस्पताल पहुंचाने का काम करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना संकट में राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक विधायक से सीएससी एवं पीएससी पर बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था, उसी क्रम में एम्बुलेंस खरीदी गई है। इस मौके पर डॉक्टर जोगेंद्र गुजर, टी एस वर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर गर्ग, धर्मेंद्र चौधरी, विनोद कुमार अग्रवाल, शेर सिंह सुपा, मुकेश सुपा, सुरेश चंद शर्मा, इंद्रमणि व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गाड़ी अटका है, अनुमानित लाख जो राशि है वो 24-25 के समथिंग है। और जो जो सी एस सी जैसे रूपवास बयाना है उस दोनों के लिए काम आएगी या फिर सिर्फ बयाना के लिए? ऐसा है कि जो क्षेत्र को देखते हुए और नगर पालिका जो बयाना है और जितना भी बयाना का जो एरिया है दूर दराज तक, ये जो एम्बुलेंस है केवल अतका बयाना क्षेत्र के लिए ही काम करेगी। रहा सवाल रुदावल का, रुदावल के लिए भी एक एम्बुलेंस की बहुत ही आवश्यकता है और वहाँ भी हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे वहाँ भी एक एम्बुलेंस की अपने विधायक निधि से अपना वहाँ एम्बुलेंस को एम्बुलेंस के मरीज। ऐसा है कि कोविड महामारी में और प्रदेश का पूरा देश जूझ रहा था और बहुत ही परेशानी आई थी, परेशानी को सामना करना पड़ा है और हर लोग को ये जानकारी हुई कि बीमारी कौन सी है, बड़ी बड़ी सावधानियाँ परेशानियाँ, जहाँ जिस तरीके के किसी को जुकाम खांसी बुखार की आवश्यकता है नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर अपनी जाँचें कराई। सरकार ने काफ़ी प्रयास करते हुए लोगों की जानों को बचाया था और तीसरी लहर की जो आशंका दिखाई दे रही है, चर्चा हो रही है, उस सुविधा के लिए एम्बुलेंस के लिए व्यवस्था की गई है। सरकार ने प्रत्येक सीएससी पीएससी पर जहाँ भी सुविधाएँ नहीं है एम्बुलेंस की, दूर दराज से जो मरीज आने के लिए थे उनके लिए सारी सुविधाओं को देखते हुए प्रत्येक सीएससी विधायक से कहा था कि प्रत्येक जहाँ जहाँ रिपोर्ट भेजें और अपने विधायक को से और सबसे पहले ये गाड़ी की सुविधा करें, जिससे कोई दूर दराज गाँव में ढांडियों में कोई भी मरीज परेशान होता है तुरंत सूचना करें, साथ साथ ही एम्बुलेंस वहाँ सुविधा के लिए पहुँचेगी और तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पर ही पहुँचे और सारी सुविधाएँ, जो ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है वो भी जल्दी से जल्दी तैयार हो रहा है, उसके भी किसी तरीके के क्षेत्र को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी अपनी सावधानी स्वयं बरतें, दूर दराज रहें, मास्क का इस्तेमाल करें और जो कोई किसी को शंका समा दिख रही है कि मुझको खांसी जुकाम बुखार से पीड़ित है तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी जाँच करावें और सारी सुविधाएँ डॉक्टर से उनकी बीमारी को तुरंत इलाज करें। राजस्थान के अंदर जो कोरोना महामारी के तहत मरीजों के सुविधाओं के लिए हमारे विधायक महोदय विधानसभा क्षेत्र बयाना वालों ने 25 लाख की कीमत की एम्बुलेंस हमारे हॉस्पिटल के लिए डोनेट की है। उस एम्बुलेंस का सदुपयोग हमारे बयाना से जितनी जो सीरियस मरीज होंगे जिनका इलाज हमारे बयाना पर संबंध मतलब उपलब्ध नहीं हो पाएगा उनको बाहर भेजा जाएगा, उसको रेफ़र करने के लिए ये हमारे मरीजों को एम्बुलेंस लेके जाया करेगी। इससे निश्चित ही हमारे जो मरीज रेफ़र होके जाते थे उनके लिए जो असुविधा होती थी उनको भाग नहीं मिलता था, इस एम्बुलेंस के आने से उनको सुविधा मिलेंगी। हमारे यहाँ से मरीज रेफ़र होके भरतपुर भी जाएंगे और ज़्यादा सीरियस होगा तो जयपुर भी जाएंगे और यह निश्चित ही इस कोरोना काल में हमारे विधायक जी ने जो हमें एम्बुलेंस डोनेट की है हम उनके बहुत आभारी हैं। हमारा पूरा हॉस्पिटल परिवार और हमारे सारा चिकित्सा स्टाफ उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम उनके बहुत आभारी हैं।